भाभी का मोतिया भी हो गया, भाभी को कोई और दिख रहा भैया मैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक। क्या टाइम हो रहा है? बड़े आए पढ़े लिखे अनपढ़ गाइज, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जो भी टाइम हो रहा है घड़ी सबके पास है, आपको पता ही होगा। ये क्या थे? आज हमारे पास आए हुए हैं दिल्ली वाले सरदार बॉयज, एक क्लाइंट जो पांचवी छठी बार डबिंग करने आ रहे हैं। भाई हर बार कुछ ना कुछ रह जाता है, तो वो चाहते हैं कि कोई कमी ना रहे, हम भी चाहते हैं कोई कमी ना रहे, तो पांचवी बार आज भाई वो वापस आए हैं और डबिंग कर रहे हैं। भाई मैंने कबीर भाई को कहा है कि अगर आज भी इनकी डबिंग पूरी नहीं होती ना, तो इनको किराए पे यहाँ कमरा दिला दो, क्योंकि जितनी बार इनका खर्चा आने जाने में हो गया, इतना तो पूरे गाने का बजट नहीं है रे। शाम हो गई है। सुनो मेरे को, आप तीनों में से किसी के भी हाथ की चाय पीनी है, बढ़िया सी अदरक वाली और इलायची वाली। अदरक और इलायची, इलायची पाउडर रखा हुआ। मुझे लग ही रहा था बीमार है, क्या बोले जा रही है, दवाई हाथ में देख ले। म्यूजिक पार्टनर है, कितना हिस्सा तेरा स्टूडियो में भाई? भाई सरदार जी ना डरते हैं, जीत भाई डरते हैं इससे, और ये मानता नहीं है आने के। जैसे ही वो निकले ना, मतलब मेरे को लग रहा है ये एक बार उनसे मिलना ही चाहता है। ये इसी की दुआ है कि उसकी डबिंग कंप्लीट नहीं हो रही भाई की, वो बार बार आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है। भाई तुझे मिलवा देंगे भाई, जिस दिन उनका डर खुला। हैप्पी बता, ऐसी कौन सी परी है जो उड़ नहीं सकती? पापा की परी। हैप्पी 50 रुपए को 5 कैसे बना सकते हैं? कुछ लिखो, तुम राइटर हो, तुम रैपर हो, तुम सिंगर हो, तो आज उससे पूछते हैं कि वो मेरे बारे में क्या फील करती है। भाई कुछ बता। सारा दिन फोन। एक बात बता, कभी मुझे भी कुछ, मतलब मैं राइटर हूँ, मेरे से तो एक्सपेक्ट करती है कि मेरे लिए गाने लिख, मेरे लिए ये बोल वो बोल, कभी मेरे को भी कुछ फील करा दिया करके? व्हाट डू यू फील अबाउट मी, व्हाट डू यू सी? बताते तो है यार। क्या तुझमें रब दिखता है या? ओह शिट, भाभी का मोतिया भी हो गया, भाभी को कोई और दिख रहा भैया मैं। म्यूजिक झंडू, वो गाना गा रही थी यार। पहले मुझे भी टोपी दे। गाना? अबे कुछ और दिख रहा था उनको आपने? ये कौन सा गाना होता है? तू मेरे कमरे में क्या करने आया था? आपको बुलाने आया था यार, मेरे साथ चलो जल्दी, गाड़ी में जाना है, बहुत जरूरी काम है, प्लीज जल्दी चलो। हैप्पी भाई प्लीज आप भी चलो, जल्दी चलो यार, दोनों को जाना पड़ेगा मेरे साथ प्लीज। भाई यार मैं काम कर रहा हूं, मैं नहीं जा सकता। भाई 10 मिनट मैं भी बीवी के साथ बैठता हूँ दिन में यार, सारा दिन टाइम नहीं मिलता, मैं भी नहीं जा सकता प्लीज सॉरी। भाई तुम दोनों को मम्मी कसम है, भाई देख मेरे साथ गाड़ी में चल लो, नहीं तो भाई मेरा काम नहीं होएगा, फिर तुम देख लो नहीं चलो। ओ चल ले यार कबीर भाई, इन्हें यार जान ही खा लेनी है यार, चल नाराज मत हो यार, चल चलो यार। कबीर भाई हैप्पी गाड़ी में बैठे रहना भाई, 5 मिनट में आ रहा हूं, बस जाना मत ठीक है। गाइस 1 घंटा हो गया हमें मार्केट घूमते हुए, चिप्स चिप्स खा लो ओके, एक लास्ट दुकान रहेगी, मैं आ रहा हूं बस, बैठ जाने में तो बैठे रहना भाई। 4 दुकानें होगी, 4 दुकानों पे इसको क्या काम आदमी को? यार इसको छोड़ हमारा क्या काम है 4 दुकानों पर, गाड़ी पे ही बैठे हुए हैं यार, परेशान कर रखा है यार नजायज जी। आने दे इसको, मैं पूछता हूँ इससे साले से। भाई एक बात बता, साले उसके क्लाइंट ने गालियां देनी है, मेरी बीवी ने गालियां देनी है, 1.25 घंटा हो गया हमें गाड़ी में, तो दुकान पे दुकान घुमाया जा रहा है, उतर उतर के खुद जाया जा रहा है, हमारा क्या काम था बे? भाई वकालत कर रखी है, थोड़ी अखबारों पर भी पढ़ लिया करो, पुलिस वालों की नोटिफिकेशन आई हुई थी भाई कोविड के दौरान 3 जने गाड़ी में अलाउड है बस, ठीक है इसलिए तुम्हें लेके आया, चलो मैं अकेला जाता चालान कट जाता मेरा। मार दे साले दे, मैं नीनू गड्डी चो कड, चल मां कसम दी थी सालों को पता लगेगा, मेरे को गाड़ी से उतार दिया, मैं पैदल आ रहा हूं। इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं भाई, और नहीं बनाना आज कुछ।